एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल संगीता रोशन। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे आधा किलो गोभी और उसे मैंने अच्छे से कट कर लिया है मोटे मोटे पीसेस में और इन्हें डीप फ्राई कर लेंगे हम लगभग 4 से 5 मिनट के लिए, जब तक ये थोड़े से लाइटिश ब्राउन ना हो जाएं। तो ये देखिए इस तरीके से इन्हें फ्राई करना है और ये हल्के हल्के लाइटिश ब्राउन होने लगे हैं और जो गैस का फ्लेम है उसे मीडियम टू हाई रखना है। और इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में और इसमें ही हम 3 आलू जो कि मैंने बड़े बड़े कट कर लिए हैं उन्हें हम इसके अंदर फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए, और उन्हें भी हमें 5 मिनट तक तेज़ आंच पे फ्राई करना है और इन्हें भी थोड़ा सा कुरकुरा होने तक हम इन्हें पका लेंगे। और ये जो सब्ज़ी है ये बहुत ही टेस्टी बनती है और ज़्यादातर आपने शादियों में पार्टीज़ में खाई होगी, तो ये बिल्कुल वैसा ही फ्लेवर आता है सब्ज़ी का। तो ये देखिए अब ये हल्के हल्के फ्राई होने लगे हैं तो इन्हें भी हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। और अब हम लेंगे एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच ऑयल और उसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग और 1 छोटा चम्मच जीरा और इन्हें हल्का सा भुनने देंगे और हल्का सा पक गए हैं ये। और अब इसके अंदर डालेंगे हम 2 प्याज का पेस्ट, ये देखिए, और इसे भी हम डाल करके थोड़ी देर तक पकाएंगे और इन्हें भी हमें हल्का हल्का सा इसी तरीके से भुन लेना है ताकि ये जो प्याज हैं ये अपना पानी छोड़ दें। और अब इसमें डालेंगे हम 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और उसके बाद हम इसे फिर से चलाएंगे और जो अदरक लहसुन का पेस्ट है और प्याज है उसे हम अच्छे से भुन लेंगे। 3 से 4 मिनट तक इन्हें हम इसी तरीके से चलाते हुए भुन लेंगे। और ये देखिए अब थोड़े से जो प्याज हैं ये थोड़े से सुनहरे कलर के होने लगे हैं, प्याज का जो पेस्ट है। अब इसमें डालेंगे हम 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक, धनिया पाउडर डालेंगे 1 बड़ा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 बड़ा चम्मच। अब इन्हें भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस मसाले को हम अच्छे से पकाएंगे जब तक ये थोड़ा सा तेल ना छोड़ दे। तो ये देखिए इन्हें हमें थोड़ी देर तक इसी तरीके से चलाते हुए भुनना है और थोड़ी देर के बाद हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर की प्यूरी। और ये मैंने 2 टमाटरों की प्यूरी ली है, 2 टमाटरों को पीस लिया है और उसे इसमें डाल दिया है। अब इसे भी हम इसी तरीके से चलाते चलाते पका लेंगे। ये जो सब्ज़ी है ये बहुत ही क्रीमी सी बनती है, बहुत ही सूदिंग लगती है। और अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और इसे भी हम इसी तरीके से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और आराम आराम से पकाएंगे ताकि जो हमारी ये थिक ग्रेवी है ये अच्छे से पक जाए, अच्छे से भुन जाए। और जितना आप ज़्यादा इस सब्ज़ी में मसाले को भुनेंगे उतनी ही ये टेस्टी बनेगी। और अब हम कढ़ाई का ढक्कन ढक लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए और 3 से 4 मिनट के बाद हम जब कढ़ाई का ढक्कन ओपन करेंगे तो ये देखिए हमारा जो मसाला है ये काफ़ी हद तक पक चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम, आप चाहें तो दूध की जो मलाई होती है वो भी डाल सकते हैं, मैंने इसमें डाला है अमूल की फ्रेश क्रीम 2 चम्मच और इसे भी हम आराम आराम से पका लेंगे। तो ये देखिए अब ये थोड़ी सी पकने लगी है तो इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, 1/2 ग्लास हमें पानी डालना है तो थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। और ये देखिए इस तरीके से इसे चलाएंगे और जैसे कि मैंने बताया कि इसे जितना भून लेंगे हम मसाले को उतनी ही जो सब्ज़ी है वो बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच कसूरी मेथी और इसे भी हम इसी तरीके से चलाते हुए पकाएंगे। और ये देखिए अब जैसे कि मैंने बताया था कि 1/2 ग्लास पानी डालना है और धीरे धीरे करके डालना है तो ये देखिए और थोड़ा सा पानी इसके अंदर मैंने डाल लिया है और हल्का सा पानी और डाला है और ये टोटल जो ये मैंने इसके अंदर पानी डाला है ये डाला है तकरीबन 1/2 ग्लास। तो ये देखिए और इसे हम हल्का हल्का चलाते हुए पकाएंगे। अब ये जो हमारी ग्रेवी है इसे हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे। 2 मिनट के बाद जब हम इसका ढक्कन ओपन करेंगे तो ये जो हमारा मसाला है, ये जो सब्ज़ी के लिए हमने आलू गोभी के लिए मसाला बनाया था, ये अच्छे से पक चुका है। और इसके अंदर डालेंगे हम 3 हरी मिर्चें और थोड़ा सा अदरक स्लाइस किया हुआ और धनिया भी इसके अंदर डाल देंगे हम। और धनिया मैंने पहले ही डाल दिया है बिकॉज़ जो गोभी है उसे हमने अच्छे से भून लिया है तो उसका थोड़ा सा टूटने का डर रहता है तो इसलिए पहले से ही धनिया मिक्स कर दिया है इसके अंदर। अब हम जो आलू और गोभी हमने फ्राई करके रखे थे वो भी इसके अंदर हम डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए अब ये जो सब्ज़ी है इसमें कितना अच्छा कलर आने लगा है
और इसे लगभग 2 मिनट तक हमें इसी तरीके से बहुत ही आराम आराम से चलाना है ताकि जो गोभी है उसके फूल ना टूटे। अब इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए हम ढक लेंगे ताकि ये जो हमने सब्जियां भून के रखी हैं वो अच्छे से मसाले को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें, और 2 मिनट के बाद जब हम इसका ढक्कन ओपन करेंगे तो ये हमारी आलू गोभी की टेस्टी वाली शादियों वाली सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी है। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। आई होप आपको ये सब्ज़ी बहुत ही पसंद आएगी। तो ये देखिए, अब ये हमारी सब्ज़ी बन चुकी है। अब हम इसे फटाफट से सर्व कर लेते हैं एक प्लेट में। लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी, और इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करेंगे, एक बार जरूर बनाएंगे। और जो लोग मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो मैं उनको बताना चाहूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।